हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं शेफ नितिन और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आधा किलो का चॉकलेट के जेम्स के साथ और इसको हम फुल कवर करेंगे कनाशे। तो बहुत ही सिंपल केक है, चलिए फिर फटाफट से इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, आधा किलो केक के लिए 150 ग्राम का चॉकलेट स्पॉन्ज, मतलब 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से मैंने इसे बनाया है और इसको हम रख देते हैं साइड में। 6 इंच का बोल्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। और अब हम बनाएंगे अपनी चॉकलेट क्रीम। तो ये 1:1 का गनाश मैंने अभी बनाया था 1 घंटे पहले, अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है और इसको हम अपनी वनीला क्रीम में मिक्स कर लेंगे और ये हमारी चॉकलेट क्रीम रेडी हो चुकी है। बहुत से सब्सक्राइबर पूछ रहे थे, कमेंट आ रहा था कि किस तरीके से चॉकलेट क्रीम बनाएं, तो ये लीजिए आप लोगों के सामने मैंने चॉकलेट क्रीम बना ली है और ये हमने डाल दिया है चोको चिप। तो फ्लेवर आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, या तो आप ओरियो डाल सकते हैं या डार्क चॉकलेट चिप, वाइट चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं, कैरेमल सॉस भी डाल सकते हैं, कैरेमल सॉस के साथ बटर स्कॉच बॉल भी डाल सकते हैं, डुल्चे लीचे डाल सकते हैं, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी से कि क्या होता है डुल्चे लीचे। तो फ्लेवर आप कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो सिंपल केक मांगा था कस्टमर ने, हम उसी हिसाब से बना रहे हैं। तो आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम सिंपल से सिंपल केक भी बना सकते हैं और डिज़ाइनर केक भी हम बना सकते हैं। अपने केक को हम अच्छी तरीके से अब क्रीम से कवर कर लेते हैं। और एक चीज़ और कि मार्केट में रेडीमेड चॉकलेट विप क्रीम भी आती है, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से मैंने बताया है कि आप नॉर्मल वनीला क्रीम में गनाश मिला के अपनी चॉकलेट क्रीम तैयार कर सकते हैं। क्रीम का वेट हम नहीं करते क्योंकि डेली जब केक बनाते हैं तो आइडिया लग जाता है, 10-20 ग्राम ऊपर नीचे ही होता है और केक हमारा एग्जैक्ट वेट में आता है। कई बार अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम क्रीम को स्क्रैपर की हेल्प से स्क्रैच करके निकाल लेते हैं, कम रहता है तो पाइपिंग वगैरह की हेल्प से उसका वेट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेली जब बनाते हैं तो हाथ अपना अपसेट हो ही जाता है। तो ये केक हमारा कवर हो चुका है और इसको बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फ्रिज में ज़रूर रखेंगे ताकि केक हमारा ठंडा हो जाए। आधे घंटे बाद केक हमारा ठंडा हो चुका है, गनाश जो हमारा है 1:1 का ये भी ठंडा है और इसको हम कवर करेंगे केक को पूरा इस चॉकलेट गनाश से। तो देखते रहिए कि किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। रेसिपी मैंने आपको सारी दे रखी हैं और कुछ रेसिपी आगे भी शेयर करता रहूँगा। और लीजिए हमारा केक पूरी तरीके से कवर हो चुका है, ये ठंडा केक था इसलिए फटाफट से इसके ऊपर गनाश चिपक चुका है। इसको फिर से हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद अब इसको करेंगे डेकोरेट। ये हमने लगाई है कॉर्न और कॉर्न को हमने आगे आगे के पार्ट को हमने चॉकलेट गनाश से कवर कर दिया है डिप करके। और जेम्स लगाने हैं, इस तरीके से लगाने हैं कि ऐसा लगना चाहिए कि ये सारे जेम्स कॉर्न से ही निकल रहे हैं। ये जो भी डिज़ाइन था कस्टमर ने हमसे शेयर किया था, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो जिस तरह का डिज़ाइन कस्टमर मांगता है उस तरह का हमें देना पड़ता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा केक है, डिसेंट सा केक है, आप चाहे तो काउंटर में भी रख सकते हैं या कोई ऑर्डर अगर आपके पास आता है तो आप वो से भी दे सकते हैं। हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगा दिया एक अच्छा सा और सुंदर सा केक हमारा तैयार हो चुका है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।